आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। सिंधी सरकार में अन्य नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने सरकार को चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने तेवर दिखाते हुए कहा कि वे मराठों को आरक्षण देने का विरोध नहीं करते, लेकिन ओबीसी के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो वे सरकार में रहकर भी संघर्ष करेंगे। भुजबल ने फिर राज्य में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। महाराष्ट्र में मराठा कुणबी को ओबीसी का प्रमाण पत्र देने का खुलकर ओबीसी नेता विरोध करने लगे हैं। मनोज जारांगे पाटिल के अनशन खत्म करने के बाद ओबीसी नेता बैठक करने लगे हैं। भुजबल छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए बेहद ही आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज मराठा आरक्षण का विरोध नहीं करता, लेकिन उन्हें आरक्षण अलग से दिया जाए, नहीं तो यह गरीब ओबीसी घटकों के साथ अन्याय होगा। भुजबल ने कहा कि उन्होंने हमेशा अलग से आरक्षण की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कई बार विधानसभा में यह बात रखी भी है, अगर भविष्य में अलग से आरक्षण की मांग की गई तो हम मराठा समुदाय के लिए जरूर लड़ेंगे, लेकिन अगर इस तरह से पिछले दरवाजे से प्रवेश दिया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। भुजबल ने कहा कि अगर कोई आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है तो ओबीसी समाज चुप नहीं बैठेगा और अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा। भुजबल ने कहा कि यदि आरक्षण की समस्या को हमेशा के लिए हल करना है, सभी समुदायों को अपने न्याय के अधिकार को अक्षुण्ण रखना है तो जातिवार जनगणना कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के आंकड़े सामने लाए जा सकते हैं और आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की तैयारी। भुजबल ने कहा कि जिस जालना जिले में अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद के सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने ओबीसी घटकों को आरक्षण देने की मांग की थी, उसी जालना जिले में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की समाज की तैयारी की जा रही है। ओबीसी समाज को अब एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। मैं किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं राज्य के 375 से अधिक छोटे घटकों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इसलिए मैं हमेशा ओबीसी समुदाय के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वे सरकार में रहते हुए भी इसके खिलाफ लड़ेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर बीड जिले में आंदोलन हुआ और कई जगहों पर आगजनी की गई। जिनके घर पर हमला हुआ उन्हें मिले मुआवजा। भुजबल ने कहा कि संदीप क्षीरसागर, जयदत्त क्षीरसागर, प्रकाश सोलंकी के घर पर हमला किया गया। समता परिषद के सुभाष राउत की होटल पर हमला किया गया। बीड जिले में ओबीसी नेताओं को निशाना बनाया गया। ये मराठा समुदाय की एक सहज प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक पूर्व निर्धारित साजिश थी। बीड में जहां हमला किया गया वहां शिवाजी महाराज की छवि भी तोड़ी गई। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम लेकर उनकी प्रतिमा तोड़ी जा रही है तो हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं। भुजबल ने मांग की कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। भुजबल ने साफ किया कि किसी को भी राज्य में ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय करने की भूमिका नहीं निभानी चाहिए।